हमारे जो गांव में ना ये मतलब, और यहाँ देखो आपको बात विसर्जन करने के लिए इधर आते थे तो। Hey guys, good morning, कैसे हो सब? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। So guys, काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि अपना गांव दिखाना। तो आज मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को पूरा हमारा जो भी गांव है ना, पूरा गांव अच्छे से दिखा देता हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, एंड तक जरूर देखना। दीदी आज जो गोदड़ी आती ना, हम इनको गोदड़ी बोलते, गोदड़ी गोदड़िया धो रही दीदी। सुबह से ही लगी ना, कितने बजे से धो रहे? 5 बजे। 5 बजे से धो रहे? हाँ, और कल 4 बजे से धोया करी। क्या क्या? कल भी 4 बजे से धोए? सुबह सुबह से दीदी धो रहे। अभी नवरात्रि का टाइम आ रहा ना, इस वजह से ना। हाँ, नवरात्रि के लिए चौगड़ करते ना अपने निमाड़ में। उधर सिटी में तो नहीं करते, पर अपने निमाड़ करते रहेंगे। अपने को क्या पता, नहीं करते अपने उधर सब पूरे गांव, मतलब अपन हमारे इधर अभी पूरे गांव मतलब सभी लोगों के घर, मतलब जिनकी अभी वैसे गोदड़ी सभी धोते हैं ना। हाँ, सभी धोते हैं, सभी लोग धोएंगे गोदड़ी। नवरात्रि आ रहे हैं ना, इस वजह से मतलब तो इस तरह से धोते हैं। देखो सब छत पे डाली है, सब छत पे डाला है। खाने में बन के आ रहा। मम्मी 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 गुड मॉर्निंग। दाल चावल बन रहे ना। गुड मॉर्निंग गाइस, नहा के जाओगे कि नहा लिया? नहा लिया। धूप वैसे अच्छी निकली हुई थी, लेकिन अभी धूप नहीं है। देखो ये गोदली तो गिर गई है, इसको सही करना पड़ेगा। कितनी सारी गोदलियां देखो, मैं दिखाता हूँ। ये वहां से लगाकर यहाँ तक, उधर भी है देखो। दीदी ने काफी सारी गोदलियां वगैरह धो दी, और जो पुराने कपड़े रहते ना, जैसे हमारे तो जो पुराने कपड़े फटे हुए कपड़े रहते हैं ना, फट जाते, सब खराब हो जाते हैं, उन कपड़ों की गोदड़ियाँ बनती है। मतलब इनके अंदर पूरे पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े इनके अंदर, गोदड़ियों के अंदर। और ये गोदड़ियाँ मम्मी सीती है, सारी गोदड़ियाँ मम्मी ने ही सी हुई है। और बाकी ये पुराने कपड़े देखो, ये किसी तकिए में से निकाले हुए तकिए बनते हैं इनके, ये पुराने कपड़े। ये देखो, ये भी सब धो के सुखाए हुए हैं। ये नया है, ये पुराना नहीं है, पहनते हैं उसको। तो बाकी इधर पहनने वाले भी कपड़े धो के रखे हुए, और अभी गोदड़िया तकिए रहते हैं ना, उनके अंदर से निकाले हुए, मतलब सबको अंदर से भी धोते हैं। बाकी गोदड़ियों को तो मतलब ऐसे बाहर से धोते हैं, और कोई कोई सी गोदड़ी अगर फट जाती है ना, तो उसको वापस खोल के फिर उनके अंदर के जो भी कपड़े रहते हैं उनको धोते हैं, फिर वापस सिल देते हैं ऐसे। और इधर वो माता कहाँ बिठाएंगे, अभी मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था ना, अंधेरे में बताया था, अभी उजाले में बता देता हूँ आपको अच्छे से। वहाँ आपको रेड रेड कुछ दिख रहा होगा ना, तो वहाँ पर बिठाएंगे माता। आज बुधवार का दिन है, तो मम्मी मिर्ची लेके आई हुई है, ये लाल वाली मिर्ची। तो इसकी जो डंडिया आती है ना, ये वाली डंडिया उनको तो फिर अच्छा गीली है, पानी मिले पड़ेगा। ये ना मिर्ची ना गीली है, तो उसको सुखाने के लिए डालना पड़ेगा। और इधर दीदी खाना खा रहे, उसके साथ बाजार से कुछ लाया ना खाने के लिए। ये सेव बोलते हैं इसको, सेव। फिर इसके अंदर भी कुछ ना कुछ है, ताजी है। मैं तो अभी रील्स वगैरह बना रहा था, काफी सारी मैंने रील्स बनाई, देखो यहाँ पर ये। और जैसे कि आज मैंने बोला आप लोगों को कि मैं आपको हमारा पूरा गांव दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो ब्लॉग पर बने रहना, एंड तक जरूर देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना, ठीक है? शाम को अच्छे से शूट करने जाऊँ, क्योंकि शाम का माहौल बहुत अच्छा रहता है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on.
कि शाम के लगभग 5 बज गए और जैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि आज मैं आपको पूरा गांव दिखाऊंगा हमारा, ठीक है। सो अभी फिलहाल मैं उमरखली रोड के ऊपर खड़ा हूँ, मतलब ये जो रोड देख रहे हैं ना ये डायरेक्ट खरगोन की ओर जाता है। आप देख सकते हैं वहाँ पर एक बोर्ड भी टंगा हुआ है, यहाँ से ना खरगोन पास है। वैसे तो दो रास्ते हैं खरगोन जाने के, एक उधर की साइड से भी देखो और उधर ही हमारा गांव, मतलब वहीं से हमारा गांव स्टार्ट होता है। पहले भी आप लोगों को बता दिया कि ये उमरखली रोड है, मतलब इधर से खरगोन पास पड़ता है और एक रोड ये रहा देखो, और यहाँ से डायरेक्ट हमारे गांव के अंदर जाते हैं, ये दिख रहा ना, ये यहाँ पर रोक के थोड़ा शूट करते हैं हम लोग। हमारे गांव में ना हर बुधवार बाजार लगता है जो कि आप पीछे देख सकते हो, वैसे दिख रहा होगा कि नहीं वैसे मैं आपको आगे दिखा दूंगा, और काफी सारे ब्लॉग में वैसे तो मैं दिखा चुका हूँ। तो थोड़ी देर पहले वहां से मैंने स्टार्ट करा था, अभी थोड़ा आप लोगों को बाजार दिखा देता हूँ। और सो ये सेब 40 रुपए किलो सेब, हाँ देखो आपको बाजार दिख रहा होगा ये, और ये जो रास्ता दिख रहा है यहाँ से डायरेक्ट मतलब हमारा घर आएगा इधर। बाजार तो आप लोगों ने देख ही लिया, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा मतलब मार्केट, और ये पूल हमारे गांव का देख सकते हो कितना ठंडा पानी रहता है यहाँ पर। आवाज नहीं आएगी तो पूरा म्यूजिक ही लगाना पड़ेगा। बेल छूट गया बाजार जो आपको दिखा था ना, उसके बाद सीधा रोड ही रहता है, राइट साइड घर वगैरह दुकान वगैरह सब है, उसके अंदर भी बहुत सारे घर है। ये यहाँ से वापस हमारे गांव आ जाएगा और इधर दूसरे गांव शुरू हो जाएंगे इधर। बट अभी एक पास की जगह और आपको दिखाने के लिए लाया है, जैसे कि एक जगह है जिसको कुंडिया बोलते हैं हमारे यहाँ, गणेश विसर्जन फिर जो माता रहती है उन सबका विसर्जन हमारे यहाँ इधर ही होता है। तो पिछली बार जब मैं आया था ना तब यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस बार अच्छा खासा पानी दिख रहा है। तो जब विसर्जन करने के लिए इधर आते थे तो बहुत नहाते थे, वैसे तो मुझे तैरना नहीं आता, मैं तो बहुत कम कम पानी में नहाता था। बाइक वगैरह भी धो गिरा वो बच्चा बच गया, बाइक वगैरह भी धो रहे हैं। और इधर देख सकते हो बकरिया वगैरह चराने के लिए भी आते हैं, यहीं के पानी पीने को मिल जाता है। ये एक छोटी सी नदी हमारे गाँव की, इस जगह को ना हमारे मतलब कुंडिया बोलते है। पानी बहुत ज़्यादा हो गया यहाँ पे, जब हम आते थे ना तब मतलब ये इतना फैला हुआ नहीं था यहाँ पर, मतलब थोड़ा कम पानी रहता था, अभी थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया है। अरे यहाँ से पैदल क्यों निकल रहा है, डर लगता है मुझे तो, देखो ना फिसलने जैसा भी है। तो शाम शाम को सब बकरे जो चराने आते हैं ना वो घर ले जाते हैं। देखो सूरज भी डूबने वाला है, क्या मौसम लग रहा है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है। तो देख लो बहुत उंडा है, कोई बाइक धो रहा, देखो पानी कैसे उड़ रहा। इस जगह से भी अभी हम लोग जा रहे हैं, यही उम्मीद गाड़ी के चीज़ का पानी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, मतलब बड़ी बड़ी सी दुकानें हमारे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिटी लेवल का ही गांव है हमारा। ये जीरा है हमारे यहाँ का माता का, इधर तो होटल वगैरह रहती है और आप जाते हैं एक दूसरी गली में, यहाँ से एक रास्ता है डायरेक्ट हमारे घर ही जाता था। ये वाली गलियाँ बहुत कम दिखाई दी है, नल वल आ गए हैं तो पानी ही पानी दिख रहा है, देखो नल आ गए हैं ना इस वजह से। और यहाँ पर देखो ये शिव मंदिर भी है, देख सकते हो यहाँ पर माता पिसाने वाले हैं, और ये चक्की जहाँ पर हम लोग माता पिसाने आते हैं। इस तरह के घर रहते गांव में, हमारा भी ऐसे ही घर था। यहाँ ना अभी पिछले साल ही एक ईंट भट्टी डली है, ये देखो ये इस साल शायद यहाँ पर ईंट का काम चलेगा, क्योंकि अगर काम चलता ना तभी तक यहाँ पर मिट्टी वगैरह सब डल जाती। यहाँ पर ना हम ना क्रिकेट खेलने के लिए आते थे, ये अच्छा खासा पहले ग्राउंड था, बट वैसे तो अभी खाली ही जमीन रहती थी, बट अभी ईंट भट्टी खुली थी लेकिन वो भी बंद हो गई है। सो ये जो हमारा एक क्रिकेट ग्राउंड था, मतलब स्टेडियम नहीं बना था ना उससे पहले, अभी तो वो स्टेडियम बन गया आप देख सकते हो वहाँ पर। और स्टेडियम का ब्लॉग तो मैंने बहुत टाइम पहले ही अपलोड कर दिया था, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। और ये ना बहुत पुराना पेड़ है ये, मतलब जब छोटे छोटे थे ना तब यहाँ आते थे ना हमको बहुत डर लगता था, थोड़ा डरावना पेड़ था। शाम को गाँव का माहौल कैसा रहता है, शाम को अच्छा माहौल रहता है ये। ये घर भी अभी भी बने हैं और ये कुछ बन भी रहे हैं। अभी बचपन में हम लोग इधर भी नहाने आते थे, ये जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे डैम टाइप हल्का सा, जैसे पानी रोकते हैं ना खेती के लिए वैसा पानी यहाँ पे रोका हुआ था, पहले बहुत नहाने आते थे यहाँ पर। ये एक नया मोहल्ला जो कि अभी भी बसा है कुछ टाइम पहले ही, और ये स्कूल है, यहाँ पर मैंने पढ़ाई करी हुई है। ये सब अभी अभी घर बने हैं, एक घर बनना शुरू हुआ उसके बाद बहुत सारे घर बन गए। जो ये उमरखली रोड है ना यहाँ पर पहले जो घर दिख रहे हैं ना ये नहीं थे। So
गाइस अभी हम लोग व्लॉग शूट ही कर रहे थे और ये पाजी दिखाई दिए, ये हमारे बहुत ही पुराने दोस्त है और इसका नाम दयाल सिंह है। दयाल सिंह है, बहुत पुराने दोस्त है, हम लोग बहुत क्रिकेट खेलने के लिए आते थे यहाँ पर, याद है? याद है ना? काफी सारे घर दिखाई दे रहे होंगे और शायद नहीं भी दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि थोड़े बहुत पेड़ वगैरह भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसमें छुपे हुए, मतलब पहले ने यहाँ पे पूरा खुला खुला था, यहाँ पर भी हम लोग क्रिकेट खेलते थे, बहुत सारी हमारी ऐसी जगह है जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते थे। हमारा जो गाँव है ना बिल्कुल फैला हुआ है, मतलब थोड़े घर यहाँ पर है, थोड़े घर वहाँ पर है, यहाँ पर भी हम लोगों को थोड़े बहुत घर दिखाई दे रहे हैं, बहुत बड़ा हमारा गांव बन गया है, पहले इतना कुछ था नहीं। वो सामने जो आपको दिख रहा है ना खाली खाली, यहाँ पर हम ईंट बनाने का काम करते थे, अभी तो वहाँ पे खेती होने लग गई है, दिख रहे ना इधर ही हमारे घर है, और ये मंडी पुरानी मंडी, और ये बाजार अब लगभग खत्म होने वाला है, यहाँ पे मीट मार्केट लगता है, ये जो है ये लगा हुआ, ये पूरा तो हम लोगों ने शूट कर लिया, तो थंबनेल का सोच रहे थे, अभी जाके थंबनेल याद आया और अब अंधेरा भी हो गया। जो देखो आपको बाउंड्री दिख रहे ना, एक बार मैं यहाँ पर चल रहा था तो मेरे पैर में ना जो लोहे का था ना ये घुस गया था, सो दिखा तो दिया आप लोगों को अच्छे से गाँव, अब जाते हैं घर। घर आ गया हूँ मैं और पीछे देख सकते हो दीदी अभी खाना बनाने लग गई है, दीदी हाथ की रोटी तो गोल गोल रहती पूरी, दीदी रात बहुत ज्यादा थक गए बोल रहे, 4 बजे रात से उठ के बोल रहे दोनों, अब रोटी बना रहे हैं। देख लिया आप लोगों ने हमारा गांव कैसा क्या लगा, कमेंट करके जरूर बताना, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को और भी अच्छा अच्छा दिखाने की, ठीक आसपास की और भी अच्छी अच्छी जगह आप लोगों को दिखाऊंगा, कोशिश करते रहूंगा कि आप लोगों को निराश ना करूं, आप लोग भी अपना प्यार देना, बताना आज का ये जो भी था विलेज टूर आपको करा, अगर ड्रोन होता मेरे पास ना तो और भी अच्छे से आप लोगों को हमारा गाँव दिखाता, फिर भी मैंने कोशिश करी, आप लोग बताना कैसे क्या लगा, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को अभी तक आपने से किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना, नीचे देखना रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक करना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, तभी जब जब मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी, और आपने से अगर किसी ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, या तो आप सर्च भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर जाकर संतोष रोकड़े 143, वहां पर भी मैं डेली रील्स अपलोड कर ही रहा हूं, सब लोग देखना आपको जरूर पसंद आएगी रील्स भी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।